गाइस वेलकम बैक कैल चल आई होप अच्छे होगे। तो भाई जल्दी से अगर वीडियो लाइक कर लो, वीडियो लाइक में 15,000 जल्दी से अगर पूरा करा दो। तो भाई सुबह वाले एपिसोड में सारी प्रॉब्लम्स एक ही दम से दूर हो चुकी है, मतलब चुटकी बजाई प्लानिंग बनाया और जनरल का बनाया हमने पेयर को। फिलहाल जनरल इज्जत करता है ड्राइवर की और फिलहाल प्लानिंग मेरी सारी थी। है भाई डॉगी नमूने ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब तो ठीक कोई दिक्कत तो नहीं है। ड्राइवर एकदम बढ़िया भाई, घर पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, आई लव यू ड्राइवर। आज तो सुधर गया भाई, बड़े प्यार से बात कर रहा है, लगता है कुछ काम करवाना है, मक्खन लगा रहा है भाई। हेलो मेरे प्यारे रोकी, तू भी ठीक है ना? घर पे आके कैसा लग रहा है, खाना वाना खा लिया? हाय ड्राइवर भाई, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा था सच में। माइकल अंकल बड़ा गंदा खाना देते हैं, बट आपका खाना एक नंबर का होता है। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे खाना खा के। आप ठीक तो है ना? फिलहाल बहुत अच्छे से पूछ रहा है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरे भाई, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? इतने प्यार से क्यों मेरे को मक्खन लगा रहे हो, कहना क्या चाहते हो? रोकी तू बता, डोगी तो सच नहीं बोलेगा, तू बता मेरे भाई क्या बात है, जल्दी बोल। ड्राइवर भाई हमने ना माइकल भाई के घर पे एक रेस देखी थी, प्लीज बड़ा मन है करने का, प्लीज लेकर के चल दो, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज 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 प्लीज। अरे बस भाई शांत हो जा, शांत हो जा, ठीक है चलो लेके चलता हूँ, बस ठीक है लेके चलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। सच्ची में यार ये तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए, जैसे मैंने इनको बोला कि ठीक है ले करके चलता हूँ। मैंने भी इसलिए बोल दिया क्योंकि भाई मैं भी फ्री हूँ, मेरे पास कुछ करने को है ही नहीं, प्रॉब्लम दूर हो चुकी है सारी सारी, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो देख रहे हो दोनों के दोनों बोल रहे थैंक यू ड्राइवर, थैंक यू, मतलब ऐसे ही बोले जा रहे हैं। मेरे को आवाज सुनोगे, सुन लो एक बार। देख रहे हो आज तक कुछ अलग ही टाइप की आवाज निकाल रहा है, आज तक ज्यादा ही खुश है मेरे प्यारे भाइयों। खड़े हो जाओ, चलो मैं बाइक निकाल के लेकर के आता हूँ। तीनों भाई चलते हैं बाइक पर रेस करने के लिए, देखते भाई आखिर अब की बार कौन सी रेस इन लोगों ने देख ली है। तुम्हारे लिए कुछ भी यार, तुम तो हो मेरे सब कुछ आगे पीछे, कोई और है ही नहीं। ड्राइवर की तो वाइफ भी ड्राइवर की नहीं है, रहती नहीं यहाँ पे, तुम दोनों ही तो रहते हो सबसे ज्यादा मेरे पास में। और ये डॉगी कभी कभी उल्टे काम करता है, बट दिल से प्यारा है भाई, बहुत ही प्यारा। ठीक है मैं दोनों के लिए बाइक लेकर आता हूँ, फिर चलते हैं। बस भाई बस, मैं खुश हो चुका हूँ तुम लोगों का प्यार देख के, मैं आता हूँ बाइक को लेकर के। तो भाई अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से आगे लाइक कर लीजिए। वीडियो की लाइक से मैंने आपको बता दिया, अगर आप चैनल पर नहीं तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर दो। अभी तक आपने मेरे फर्स्ट चैनल को चेकआउट नहीं किया, बाद में जाकर चेकआउट कर लेना, उस पर छिटी वीडियो डालता हूँ। इसका नेक्स्ट कल सुबह 11 बजे उसी पर आने वाला है। हमारा डॉगी का घर भी वापस आ चुका है, माइकल ने सारा काम अच्छे से करा दिया भाई, गार्ड्स भी आ गए जैसे कि आप देख ही रहे होंगे। अभी कोई भी दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही हो चुका है जैसे पहले था। भाई कितने अच्छे लग रहे हैं, मतलब शब्द कम पड़ रहे हैं दोनों के। दोनों रोकी आगे बैठ गया, डॉगी कह रहा ड्राइवर मैं पीछे बैठूंगा। बेटे भाई देख रहे हो मेरे दोनों शेर, हम तो तीन दिन बाइक पर आराम से आ जाते हैं मेरे भाई, चलान हो जाएगा तीनों का, समझ रहा है? अबे तुम लोग भी बंदों से कम में नहीं आते आज की डेट में, समझ रहे हो? तो अब तीन तीन ट्रिपल पे बैठ गए, समझ रहे हो? ये टू सीटर है, तीन नहीं बैठ सकते इस पे, बट फिलहाल कोई बात नहीं, डॉगी के लिए सब चलता हो। इनको बैलेंस कितना खतरनाक करके बैठे हुए हैं। अबे मेरे प्यारे भाई, ये तुम लोग इतने कमाल कैसे बैठ गए, अबे तुम गिर नहीं रहे बिल्कुल भी, सच्ची में अमेजिंग है। इनकी आवाज़ सुने एक बार, इनको फर्क पड़ता नहीं पड़ता मेरे बैठ होगी। अरे भाई ये तो भौंके नहीं है, ड्राइवर का दम निकल गया, ये डर नहीं रहे बिल्कुल भी, ये लेट होगी बेटे। भाई इनमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये तो शेरों वाले काम करते हैं। चलो फिलहाल लेकर के चलता हूँ, शेरों को मैंने बैठा तो लिया, आखिर देखते हैं रेस कैसी होने वाली है। डॉगी संभाल के बैठना प्लीज, तू पीछे बैठा हुआ है, देख मेरे को काफी तेरा फिक्र है क्योंकि तू पीछे बैठा है। देखो रोकी मेरे पास बैठा हुआ है, रोकी को पकड़ सकता हूँ ऐसे करके अगर इसका बैलेंस खराब हुआ, बट मैं डॉगी को पकड़ नहीं सकता। डॉगी इसलिए प्यार से बैठ जा, नहीं तो मैं तेरे को रस्सी से बांध सकता हूँ, तू अगर बोलेगा तो। ड्राइवर टेंशन क्यों लेता है, तेरा भाई जो है वो शेर है, शेरों से कम नहीं है, मैं आराम से कंफर्टेबल हूँ, अगर मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम लगी मैं तेरे को बता दूंगा। फिलहाल चल मेरे भाई रेस में लेकर के चल। ये सही है भाई, वैसे डॉगी सुधर गया, अब तमीज से बात कर रहा है, अब मैं बहुत खुश हूँ, अब सही हो चुका है ये। फिलहाल रेस पर निकलते हैं भाई, मैं पहुंच चुका हूँ जगह पर, तो आज की रेस ना यहाँ पर होने वाली है। तो मेरे प्यारे शेरों देख लो, रेस खतरनाक लग रही है, बाइक से हो भी पाएगी? वैसे हो जाएगी यार। फिलहाल मैं आज इनको भी लेकर के जाऊंगा क्योंकि इन्होंने साफ साफ बोला कि ड्राइवर ये जो रेस है ना इसे बाइक से आप कर सकते हो, इसलिए तो हम दोनों भी साथ में जाएंगे, तभी इन बंदों ने सेलेक्ट करी। आपको याद है स्टार्टिंग वाली रेस ना ये मेरे साथ कर नहीं पाए थे, तो इनको काफी दुख था। तो फिलहाल अब इन्होंने रेस ही ऐसी ढूंढी जिसमें खुद भी जा सकते हैं। तो टोगी बेटे एक चीज तुमने नोट करी, यहाँ पे बाइक खड़ी हुई है, तो ये वाली बाइक ले या फिर अपनी वाली बाइक पे चले, जैसे तुम बोलोगे। नहीं ड्राइवर भाई बाइक चेंज कर लो, नहीं तो हम तीनों गिर जाएंगे, मैंने देखा था टीवी पे, ये जो आप वाली बाइक है ये अच्छी काम नहीं करेगी इस रेस में, जो सामने बाइक खड़ी है वो ही सिर्फ काम करेगी इस रेस में, प्लीज प्लीज, नहीं तो हमको खतरा हो सकता है, आप बाइक चेंज कर लो। ए रोकी तो बड़ा समझदार हो गया। ओके भाई चलो ठीक है, सामने वाली बाइक पे आ जाओ। भाई मेरे दोनों शेर बाइक पे जाकर के बैठ चुके, रोकी तो दोनों पैर आगे निकाल के बाइक के ऊपर रख लेता है और आराम से बैठ जाता है, इसका बैलेंस ऐसी बनता है। अब तो डॉगी भी काफी कंफर्टेबल है इस बाइक पे, बोल रहा है ड्राइवर अभी बहुत मजा आने वाला है, मैं बहुत अच्छे से बैठ गया इस बाइक पे। तो चलो भाई ये फिलहाल आखिर अभी देखो पक्के बैठ जाओ, अगर कुछ हो गया ना फिर मेरे को मत बोलना। तो चलिए भाई ले करके चलते हैं इनको और करते हैं हमारी प्यारी सी रेस।
रोगी तो बेटे आराम से, पीछे धुआं निकल रहा है, तेरी पूंछ काली हो जाएगी देख करके, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता देना, तो यहाँ से रेस स्टार्ट होने वाली है, तो देखते भाई कहाँ कहाँ पे रेस इजी है, कहाँ कहाँ पे हार्ड है, तो फिलहाल चलिए हमने शुरू तो कर ही दी है, तो फिलहाल कहाँ से इजी हो रो रे रे भाई भाई भाई, अबे दोनों नमूनों ये चीज़ तुमने खतरनाक देख ली, आगे आग आग लगी हुई है, अपने आप को बैलेंस में कर लो, देखो तुम्हें आग पकड़ लेगी, ठीक है ना, बाल जल जाएंगे तुम्हारे सारे के सारे काले हो जाएंगे, इसलिए आराम से मैं जितना कोशिश करता हूँ उतना दूर रहूँगा आग से, आराम से जाते हैं, तो फिलहाल ना भाई थोड़ा पीछे लेना पड़ेगा, नहीं तो मेरी गाड़ी का बैलेंस खराब हो जाएगा, मेरी बाइक का आराम से तो मेरे को दिख नहीं पा रहा, एक तो इतने ज़्यादा बैठे हुए ना ये दोनों के दोनों, बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता यार बिल्कुल भी, अगर मैं अकेला रेस वो करूँगा तो मेरे को साफ चीज़ें दिख जाएगी सारी की सारी, बट अब ये दोनों बैठे हुए हैं तो मेरे को इस हिसाब से थोड़ा थोड़ा साइड से देखना पड़ रहा है सारी चीज़ों को मेरे प्यारे भाई। अब बस तो हम लोग पहुँच चुके हैं, डॉगी सिंपल यार तेरा ड्राइवर ना बहुत खतरनाक है। सही है ड्राइवर भाई, आप कमाल हो यार, आप कुछ भी कर सकते हो, जब मैंने टीवी पे देखा था ना वो बंदे पे हो ही नहीं थी, 3-4 बार गिरा था यहाँ पे आने के लिए, और आपने तो पहले टाइम ही कर दिया। तो ड्राइवर को हल्के में लेते हो तुम दोनों, तो फिलहाल चलिए भाई जल्दी से आगे तरफ निकलते हैं, भाई यहाँ से कोई चलता हुआ ना आ जाए, रोलर कोस्टर का भी पता चले तीनों को उड़ा के भाग जाए, इसलिए मेरे प्यारे शेरो थोड़ा सा आराम। ड्राइवर तुम टेंशन मत लो, हम आराम से बैठे हुए, तुम यहाँ से कुदा दो इसको बस, बहुत बढ़िया। तुम दोनों में से किसी ने भोंका ना, जल्दी से बोल। ड्राइवर मैंने भोंका था, मेरे को डर लग गया था, सो सॉरी भाई सो सॉरी। अबे भाई यार डोगी तू भी ना, मतलब रोगी आगे बैठा भाई वो नहीं डरा और तू डर रहा है, अबे ड्राइवर का मतलब नाम डुबाने में लगवा यार, क्या तू भी डोगी डोगी रोगी संभल के बैठो, अभी आगे जाएंगे बस बहुत बड़े। तो फिलहाल भाई हम आगे की तरफ आ चुके हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे घुमा लेते बाइक को, और ये बाइक कुछ ज्यादा खतरनाक तरीके फंस गई, मैंने सोचा फंस गई है भाई अभी नहीं निकलने वाली, तो चलिए डॉगी कैसा लग रहा है बेटे? अरे भोंक मत यार, कौन बार बार भोंकने में लग रहा है, क्या डॉगी यार तू भी इतना कमजोर हो गया, रोकी तेरे को डर तो नहीं लग रहा ना? नहीं ड्राइवर भाई मेरे को तो बड़ा मजा आ रहा है सच्ची, वहाँ आगे बैठ करके ऐसा लग रहा है मैं रोलर कोस्टर में घूम रहा हूँ, सही में मेरी जिंदगी आपके साथ ही बहुत अच्छी है, पहले मेरा बॉस बहुत घटिया था, मेरे को यहाँ वहाँ पे भेजा करता था और मैं उसके लिए बड़े दिल से काम किया करता था, बट ना मैं ड्राइवर भाई सच परेशान हुआ करता था क्योंकि वो मुझे कुछ नहीं दिया करता था, बट जब से मैं आपके पास आया मुझे सब कुछ मिल रहा है, असली जिंदगी के मजे तो आपके पास ही आ रहे हैं, थैंक यू मुझे रखने के लिए यार। ये भी ना अबे क्या रुलाएगा भाई, अब ऐसी कोई बात नहीं है, रोकी यार तू बहुत प्यारा है, हाँ मानता हूँ तेरा बॉस बेवकूफ था, उसने तेरे से उल्टे सीधे काम करवाए और खुद तेरे को कभी कुछ नहीं दिया, तो टेंशन मत ले ड्राइवर ऐसा नहीं है, ड्राइवर तेरे को बहुत प्यार करने वाला है, तो फिलहाल चलिए भाई निकलते हैं। और ये डोगी तो भोंकना ही भाई लगा हुआ है बार बार, पता नहीं क्यों भोंके जा रहा है, देखो फिर से भोंका, अबे भाई हद है यार, लगता है इसको मजा आ रहा है, ये मेरे को ऐसे चिढ़ाने में लगा हुआ है, मुझे ऐसे लगता है। तो फिलहाल चलिए भाई हम काफी आगे तक पहुंच चुके हैं यहाँ पे आके, तो सामने बहुत सिंपल है, इसके ऊपर कूद के जाना है हमें और बस पहुंच जाना है, ये लो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों पहुंच गए आगे की तरफ, ये फिर से भोंका, तो अब की बार कहाँ पे जाना है भाई? तो एक सेकंड यार, अभी हमें ना इस जंगल को पार करना पड़ेगा, क्या मस्त जंगल बना करके रखा हुआ है, रेस ठीक है वैसे इतनी बुरी नहीं है, और ऊपर से इसका भोंकना बहुत मस्त लग रहा है मुझे यार, डोगी ना तू भी कितना डरता है, इतनी ऊपर से अभी तो गिरे भी नहीं है, फिर से लो भोंकता रहे ठीक है। तो चलिए अभी मैं जरा रास्ता ढूंढ लेता हूँ, भाई कैसे जगह बना के रखी है, इनके बीच बीच में से जाना पड़ेगा मेरे को भाई, रास्ता देख देख के बताओ दोनों, ठीक है ट्रेवर भाई मैं आपको गाइड करता हूँ, ऐसी लो बहुत सही, अभी स्पीड के ऊपर से निकाल लो आराम से, हम पहुंच जाएंगे बहुत सही, ट्रेवर भाई अभी सामने ही चलते रहो, ठीक है भाई रोकी मैंने देख लिया रास्ता, अभी तो टेंशन ना ले तू, मेरे को गाइड मत कर अब, ओके तो यहाँ से अभी हम आराम से घूम सकते हैं, ट्रेवर भाई घूम जा। अबे भाई ये बाइक क्या कमाल की बाइक है, बड़ी घटिया बाइक है यार, तो मेरे को दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा या फिर मेरे को व्हीली मार के यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अभी मैं ऐसे नहीं जा पा रहा, ओके भाई व्हीली मार के हम पहुंच गए हैं बहुत सही, तो यहाँ से थोड़ा आगे निकलना पड़ेगा, कैसी जगह बना के रखी है भाई ये, कैसा रास्ता है, अबे भाग जाए यहाँ से बहुत मारूंगा नहीं तो मैं, तो फिलहाल चलिए भाई फाइनली ऊपर तक पहुंच चुके हैं, बहुत बढ़िया, चलिए ड्राइवर भैया जी रेस काफी सही लग रही है मुझे, काफी अच्छी रेस है, अब की बार डोगी और रोकी तुम दोनों की सिलेक्शन में सही बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया हो गई है भाई, फिलहाल भाई हम ऊपर की तरफ भी आ चुके हैं, सच्ची में यार ये रास्ता काफी मजेदार होने वाला है, सामने एक नमूना बैठा हुआ है ऊपर की तरफ, अबे भाई ओ भाई निकल ले यहाँ से, इसका तो नेता बनाना पड़ेगा, गोली निकाल ड्राइवर, अबे भाई वेपन्स काम नहीं कर रहेगा सही में यार, पिस्टल निकाल, अबे यार वेपन काम नहीं करेगा क्योंकि मेरा डॉगी सामने बैठा हुआ है, रोकी बैठा हुआ है, मतलब फिलहाल पीछे से ला करके फटाफट से इस बंदे को ऊपर से मेरे को गाड़ी को मतलब कि बाइक को निकालना पड़ेगा, पहले मैं डायरेक्शन बिल्कुल सीधी कर लेता हूँ ताकि मेरे को कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि फिर रेस दूंगा मैं और सीधा फिर मैं सामने की तरफ पहुंच जाऊंगा, मेरे चाचा हटता हट जा रही तो तेरा बहुत बुरा नेता बनने वाला है, बोला था ना नेता बनेगा, मेरे प्यारे रोकी डॉगी मजा आया ना उस बंदे को ऊपर से गिरते हुए देख करके, सही में बताओ ना जल्दी जल्दी बताओ, सच में ड्राइवर बड़ा मजा आया, मैं तो कहता 2-4 बंदे और बैठ रहे आगे, बहुत मजा आएगा उनको गिराने में, ये रोकी भी ना सच्ची में बड़ा कमाल करता है, पर एक बात मैं नोट कर रहा हूँ यार, ऐसे रेस कैसे पूरी हो पाएगी, ये भाई व्हीली नहीं मार रही भाई, मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ बाइक व्हीली नहीं मार रही, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, अरे यार डोगी रोकी आगे बैठे हुए बाइक व्हीली नहीं मारने वाली,
बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर सामने वाली जगह से मैं जा नहीं पाऊंगा ठीक तरीके से, क्योंकि जब तक बाइक व्हील ही नहीं मारेगी तो बाइक को मैं आगे से उठा नहीं पाऊंगा और कंटेनर के सामने चढ़ नहीं पाएगी। अरे यार तुम लोगों ने ना मेरा काम बढ़ा दिया, रोगी आगे बैठा है, डोगी पीछे बैठा है, तो मतलब बाइक थोड़ी भारी हो गई है और ड्राइवर को उठाना बहुत मुश्किल पड़ने वाली है। अभी मैंने बहुत ट्राई किया, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे व्हीली मारने के लिए, बट व्हीली मार ही नहीं रही मेरी बाइक, और जब तक व्हीली नहीं मारेगी तो दिक्कत हो जाएगी। अब मैं यहाँ से कैसे चढ़ूंगा, फिलहाल यहाँ से मैं चढ़ा ही नहीं पाऊंगा बाइक को व्हीली के बिना। मेरे प्यारे भाइयों तुम लोगों को उतरना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं मतलब यहाँ पे व्हीली नहीं मारूंगा तो कैसे काम चलेगा। रोकी प्लीज एक मिनट के लिए उतर जा, मैं व्हीली मार के ऊपर चले जाऊंगा फिर तू आ जाना, ठीक है ना। फिलहाल भाई रोकी उतर के सामने की तरफ पहुंच चुका है और अभी मेरी बाइक आराम से व्हीली मार रही है जैसे कि आप देख रहे होंगे। तो फिलहाल सच्ची भाई काफी वेट है इन दोनों में, ड्राइवर का दम निकल गया, व्हीली मार ही नहीं रहा और ये देखो डोगी कैसे बैठा हुआ है। अबे तू अपने भाई को अकेला छोड़ के आ गया, तो चलिए फिलहाल अभी आराम से व्हीली मार के ऊपर जा सकते हैं। बहुत सही, रोकी जल्दी से आकर के बैठ जा भाई, लेट मत करा जल्दी से, फिर चलते रेस पूरी करते, काफी बड़ी रेस है। भाई अपना रोकी फिर से आकर के आराम से बैठ चुका है, तो अभी आगे वाला रास्ता चेक करते हैं कि आगे क्या होने में लगा हुआ है। टायर्स है, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है तो आराम से पहुंच सकते हैं। तो फिलहाल ड्राइवर आराम से अरे भाई 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 आराम से नहीं पहुंच सकते, मैंने गलत सोच लिया। तो फिलहाल ये बाइक काफ़ी फिसल रही है, तो अभी स्ट्रेटजी ये बनानी पड़ेगी मैं किस तरफ से जाऊँ। मैं ऐसे जाके ऐसे घुमा सकता हूँ बाइक को, देखो ट्राई करना पड़ेगा, गिर गए तो कोई बात नहीं दोबारा आ जाएंगे और क्या होगा भाई। बस ये मेरे प्यारे डॉगी रोगी को चोट ना लगे, मुझे लगता है अब की बार तो हम गिरने वाले हैं, काफ़ी दूर तक आ चुके हैं बट अब की बार मुझे लगता है हम गिर जाएंगे, क्योंकि टायर्स ना बहुत अजीब है भाई, सच्ची बड़े अजीब टायर्स लग रहे हैं मुझे मेरे प्यारे प्यारे ड्राइवर। मेरे फिलहाल भाई काफ़ी दूर तक आ चुके हैं, बस ड्राइवर यहाँ से थोड़ा सा आगे जा करके थोड़ा सा इस पे ले ले, थोड़ा सा इस पे ले ले, बहुत सही फंस गए भाई, अब तो गिरने ही वाले हैं। डोगियो तैयार हो जाओ मेरे प्यारे भाइयों, आराम से लैंडिंग होगी बस। ओ भाई फिर से भाई हम सेम जगह पर पहुंच चुके हैं, मेरे प्यारे प्यारे डोगी जल्दी से आ जा, बहुत मेहनत खराब हो गई है, जल्दी पहुंच जाओ। ओके भाई फाइनली हमने इसको क्रॉस कर लिया है, बिल्कुल लास्ट में आकर गिर गई, काफी मेहनत खराब हो गई हमारी, बट कोई टेंशन नहीं है। ओके भाई कहाँ कहाँ से पंखे चलने में लगे हुए हैं, तो पंखे टक्कर मत मार देना नहीं तो बहुत मारूंगा मैं तेरे को। तो फिलहाल 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 निकल भाई ड्राइवर, बस 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 यहाँ पे व्हीली मारनी है, ड्राइवर व्हीली मार सकता है डोगी को बैठा करके एक बार, और ट्राई कर भाई मार लेगा शायद मेरे को लगता है, एक बार ड्राइवर में काफी दम आ गया, ड्राइवर ने घी दूध खा लिया, अभी नीचे गिर के सो अकल आ गई है, तो फिलहाल काफी सही हो चुका है। तो चलिए भाई अभी लगता है हम काफी दूर तक पहुंच चुके हैं इस रेस के, चलिए चलिए ओके प्लेन के ऊपर आ चुके हैं। प्लेन किसने लगा दिया यहाँ पे, हद है भाई, रेस बनाने वाले हो गोली मार दो, ये सही में चल रहा है काम, बहुत ही बढ़िया। ओके तो फिलहाल अभी हम बहुत दूर तक आ चुके हैं और यहाँ पे थोड़ा सा लंबा कूदना पड़ेगा, लंबा व्हीली मार के, बस सही, एक ओवर और लंबा, बहुत सही। तो चलिए यहाँ से अभी इस बस के अंदर भी मैं गिर सकता हूँ भाई, बस के अंदर काफी गैप है जैसे कि आप देख रहे होंगे, तो मेरे को ध्यान से व्हीली मार भाई, अरे भाई 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 भाई, 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 भाई ये व्हाट इज दिस नॉनसेंस, ये क्या ड्रामा है भाई। अबे डॉगी फंस गए भाई, फंस गए, दोबारा लेकर के आनी पड़ेगी बाइक को, नीचे गिराता हूँ दोबारा लेकर के आनी पड़ेगी, हमें ऊपर से जाना पड़ेगा, नीचे से नहीं जाएंगे। अबे क्या यार रोकी, कोई बात नहीं भाई, वापस से हम दोबारा उसी सेम जगह पर आ चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है मुझे पूरी तेज स्पीड में लेकर के जाना चाहिए, मेरे को उस दूसरी बस में घुसना है। तो ड्राइवर आराम से काम कर ले, घुस जा, प्लीज नहीं गिरना मत, पैसे ले ले। मैं कह रहा हूँ गिर गई ना तो बहुत बुरा बजाऊंगा मैं, घुस जाओ भाई, हाथ में आया बट हाथ मतलब छूट गया गिरते ही, तीसरा ट्राई। ओके भाई हम फिलहाल दोबारा से पहुंच चुके हैं, सच्ची में देखने में काफी इजी लग रहा है बट उतना इजी है नहीं जितना मैंने सोचा था। यहाँ पे मतलब बाइक को ले जाना बहुत मुश्किल है सच्ची में। अबे भाई कुछ और लगा देता इसकी जगह पे, बस लगा के रखी हुई है। अरे बस भाई भोंक मत यार, एक तो मैं वैसे ही परेशान हूँ, ऊपर से तू भो। अबे भाई बोल देना, कुछ बोल दे, भोंक मत तू, अब तो पता नहीं अभी भी क्यों भोंकने में लगवे। अबे अब तो तुम बोल सकते हो भाई, तो दबा के बोलो ना कि ट्रेवर ये कर ली, ट्रेवर वो कर ली। अरे भाई ये क्या कर ले, तो बड़ी बुरी जगह पे आ गए, चलो कोई बात नहीं, डरते करते हैं ट्राई, इसको भी सिंपल ही है वैसे, ज्यादा मुश्किल नहीं है, रेस अभी भी काफी बची हुई है भाई, बट मैं कर सकता हूँ इसको पूरी। अरे नहीं काफी नहीं बची हुई, रॉकी देख हमने रेस पूरी कर ली है, देख जल्दी। अरे वाह ट्रेवर भाई, सामने फिनिश लाइन दिख रही है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। बड़े सिंपल तरीके से चीज पूरी हो जाएगी आराम से। तो मेरे प्यारे ड्राइवर बस आराम से, कुछ नहीं करना भाई, पहले तो अपनी तो बाइक को जरा सीधी कर ले मेरी प्यारी बाइक, जरा तो सीधी हो जा पहले, आराम से हो जा, बहुत सही, ये सबसे बस तरीका होता है बाइक को सीधी करने का। तो फिलहाल चलिए भाई आराम से मैं इसको बस, तो भाई अरे आराम से नहीं होगी यार, इसको थोड़ा सा तेज लेकर के जानी पड़ेगी, तो बाइक का बैलेंस बिगड़ा। बस क्या एज है, क्या एज पे आया तो ड्राइवर, बहुत सही भाई। तो फिलहाल अब ये काम करना पड़ेगा ड्राइवर ब्रो, यहाँ से बाइक को घुमानी पड़ेगी। अरे चुप रहो भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग दोनों के दोनों, आराम से, इनका डर निकल गया, दम निकल गया क्या तुम दोनों का, ऐसा मत करो, आराम से काम चलने वाला है। अबे डॉगी तेरी हेड कहाँ पे चली गई,
बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया यार। डोगे के मैंने तो अभी ध्यान दिया भाई, इससे कपड़े वपड़े गिर गए लगता है, मैंने जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं दिया। शायद से जब मैं ट्राई कर रहा था ना कुछ, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, इससे कपड़े गिर गए भाई। अरे यार डोगी तू भी ना, तू भी यार गलते काम करता है। चलो वो बाद में ढूंढ लेंगे, कहीं नीचे गिर गए होंगे शायद से जब हम आ रहे थे। हमने ट्राई भी बहुत बार किया भाई, सीधी साधे बस में काफ़ी गिरा, यहाँ पे गिरा, पता नहीं कब इससे कपड़े गिर गए, वो मैं बाद में ढूंढ लूंगा। फिलहाल गिर गए हो गए क्योंकि भाई, अरे रे भोंक मत भोंक मत भोंक मत भोंक मत भोंक मत, सारा काम खराब हो जाएगा। बस बहुत सही है, तो फिलहाल भाई चलिए हम यहाँ पर ही पहुंच चुके हैं। रेस ज्यादा नहीं बची डोगी, रोगी टेंशन मत ले। और हाँ डोगी, तेरे कपड़े मिल जाएंगे भाई, तूने कब गिरा दिए, मैंने ध्यान नहीं दिया। इसका मतलब कहीं पे ऐसे गिर गए, मैं रेस पे इतना बिजी चल रहा हूँ, मैंने इसके कपड़ों पे भी ध्यान नहीं दिया भाई सच्ची में। क्योंकि जो बहुत बार हम ऊपर से नीचे गिर चुके हैं, उस टाइम पे शायद से इसने डर के मारे इसका हेट गिर गया होगा और शूज वगैरह गिर गए होंगे। इसको मैंने पहले ही बोला था अगर तेरे को अनकंफर्टेबल लगे तो तू मेरे को बता देना, बट इसने बताया नहीं। फिलहाल भाई कितना पतला रास्ता बना के रखा है भाई रेस बनाने वाले को, मैं तो कहता हूँ गोली मार देनी चाहिए सच्ची में। तो फिलहाल बहुत ही बढ़िया, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, अब तक तो सही जा रहे हैं, आगे का कुछ बोल नहीं सकते। और ये क्या ड्रामा है भाई, इस पे कूदाना है मेरे को, बीच में कूदाना है या इस पतली सी लाइन पे कूदाना है। रोकी डोगी दिल थाम के बैठना क्योंकि अब की बार फिर से नीचे जाने वाले, आराम से आराम से। अरे बहुत बढ़िया, इसमें बाइक चल सकती है। अरे यार ये तो सही तुक्का लग गया मेरा, तो चलिए चलिए चलिए, बहुत सही बहुत सही। अभी सामने कहाँ पे जाना है, ओके सामने सीधा इस पे जाएंगे, सही। बस 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 शोर मत मचाओ, बहुत सही, ये हमने क्रॉस कर लिया। आगे 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 आगे, बहुत सही, ये भी हमने क्रॉस कर लिया। डोगी रोकी, अरे भाई लव फाइनल पहुंच गया तुम्हारा भाई, ड्राइवर भाई सच्चे मजा उठा दिया आपने, रेस फिनिश कर दी, हम तो कर ही देंगे। तो रोकी डोगी कैसी रही, अरे डोगी चल तेरे कपड़े ढूंढते भाई नीचे चल के, आराम से दिल थाम के बैठो, तुम्हारे भाई ने रेस पूरी कर दी है। और ये लो, अरे सो सॉरी चाचा हट जाओ। तो भाई काफी खुशी हो रही है, थोड़ा टाइम लगा, काफी बार हमें ट्राई दोबारा करना पड़ा, बहुत बार नीचे गिरे दोबारा से शुरू से। फिर भाई बड़ी गलत बात क्या है, कोई चेक पॉइंट नहीं, कुछ नहीं, गिर गए शुरू से आओ फिर दोबारा से पूरी रेस करो। बहुत बार मेरा टाइम खराब किया इसने, बट फाइनली हमने रेस पूरी कर दिया। और हाँ फाइनली चलो डोगी कपड़े ढूंढते हैं भाई, डोगी के कपड़े मेरे को वापस से मिल चुके हैं। तो फिलहाल डोगी अभी दोबारा से बैठ चुका है मजे में, तो फिलहाल चलिए जल्दी से निकलते हैं, लेट बिल्कुल नहीं करेंगे। तो अब की बार भाई रेस काफी अच्छी थी, मेरे को बहुत पसंद आया। रोकी डोगी तो बहुत खुश है क्योंकि भाई ये तब खुश होते जब इनकी मर्जी का काम होता है, तो ये काम इनकी मर्जी का है और ये बहुत ज्यादा खुश है मेरे प्यारे नमूने। तो ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, चलिए घर की तरफ निकलते हैं। रोकी डोगी कैसी लगी रेस, चलो एक बार तुम भी बोल दो। ड्राइवर सच में बड़ा मजा आ गया भाई, मन करता है पूरा दिन रेस ही करते रहे। अबे मरवाओगेगा मुझे दोनों के दोनों, ऐसे मत करो भाई, मैं पूरा दिन रेस नहीं कर सकता, मैं बड़ा परेशान होता हूँ ऊपर से गिरने, बार बार पे एक ही जगह चढ़ाते रहो बार बार बाइक को, तुम्हें तो मजा आ रहा है, मैं तो थक जाता हूँ ना। तो फिलहाल चलिए बाकी तुम लोग खुश हो, मैं भी खुश हूँ, मेरे को बाकी भी खुशी है। चलो दोनों के लिए मैंने रेस करी, आगे भी अगर इनको कोई और रेस पसंद आई वो भी जरूर करेंगे। तो बस मेरे भाई फिलहाल इस वीडियो के साथ तो ये वीडियो कैसी लगी, सारी चीजें कैसी लगी, आप चैनल पर नहीं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करके स्टार्ट कर दो। अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड पे फॉलो नहीं करा उसको भी फॉलो कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।